हे एवरीवन, स्वागत है आर एस प्रॉपर्टीज़ के एक और प्रॉपर्टी के नई वीडियो में। आप लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे एक सस्ती प्रॉपर्टी की, एक अच्छी प्रॉपर्टी की, किस टाइप की प्रॉपर्टी हो जो आपको तुरंत पैसा कमा के दे सके। तो कम मेहनत और ज़्यादा प्रॉफिट वाली ये प्रॉपर्टी है जो आपको यहाँ मिलने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं प्लांटों को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया गया है। इन पेड़ों को और पौधों को देखा जाए तो बहुत अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी है और बेहद ही कम कीमतों पर आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियोस में बताया भी था कि हम ऑल ओवर इंडिया से प्रॉपर्टी लगातार अरेंज कर रहे हैं और हमारी टीमें जो हैं वो हर लोकेशन पे जा जाकर प्रॉपर्टी अरेंज कर रही है आप लोगों के लिए। तो बात हम करेंगे आज एक प्रॉपर्टी के बारे में जिसका टोटल साइज़ है 90 एकड़ का। अगर भूमि पे प्लांटेशन की बात करें तो पाम ऑयल के यहाँ पर लगभग 70 एकड़ में प्लांटेशन हो रखे हैं और जैम ऑयल लगभग आपको 20 एकड़ में। भूमि की बात की जाए तो प्रॉपर्टी पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सुविधा मिल जाती है। इस भूमि पर अगर हम बोरवेल की बात करें तो 7 से 8 बोरवेल जो हैं वो बड़े समरसेबल्स आपको मिल जाते हैं। प्रॉपर कनेक्टेड रोड साइड बढ़िया प्रॉपर्टी मिल जाती है। मेन रोड से लगी ज़मीन मिल जाती है, अच्छी सुविधा है और अच्छी कनेक्टिविटी है। नियर बाई हाईवे की सुविधा भी आपको बढ़िया मिल जाती है और एक ही व्यक्ति के अंडर ये कुल प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाती है। ओबीसी कैटेगरी की प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्री में कोई भी दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अच्छी कनेक्टिविटी के साथ प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, सुविधाएं भरपूर आपको मिल जाती हैं और देख सकते हैं शानदार प्रॉपर्टी को। अब तक की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी रहने वाली है आरएस प्रॉपर्टीज़ पर, क्योंकि इससे बेटर प्रॉपर्टी फ़िलहाल देखा जाए तो हमने अरेंज नहीं की है। तो काफ़ी सारी मेहनत लगी है हमारी टीम को इस प्रॉपर्टी को अरेंज करने में और देखा जाए तो काफ़ी बड़े अमाउंट हमने खर्च किए हैं आप लोगों के लिए इस सस्ती ज़मीन को अरेंज करके लाने में। अगर इस एक ही प्रॉपर्टी के खर्चे को देखा जाए तो करीबन 87,000 रुपये हमने खर्च किए हैं इस भूमि को आप लोगों तक अरेंज करके लाने में, और जिसमें हमें तकरीबन 1.5 महीने का समय लगा है। एक ही पैच की प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। टोटल 90 एकड़ का पैच आपको देखने को मिल जाता है और काफ़ी शानदार प्रॉपर्टी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। हमारे पास इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ में बात करें तो इकलौती प्रॉपर्टी है जिसका लोकेशन बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और पैसा आप तुरंत अर्न कर सकते हो इस प्रॉपर्टी से। तो ऐसी ज़मीनों के लिए जुड़े रहिए आर एस प्रॉपर्टी से और हम बात करेंगे आज की इस प्रॉपर्टी के बारे में। आज की जो प्रॉपर्टी है वो आपको मिल जाती है आंध्र प्रदेश में। भूमि आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम जो है मनियम लोकेशन, और ये डिस्ट्रिक्ट है जो प्रॉपर 35-35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है आपका। और प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका जो तहसील है वो कुम्हराडा है जो कि 5 किलोमीटर पर है, जिसे आप तालुका भी बोल सकते हैं। टोटल ज़मीन जो है वो 90 एकड़ का पैच आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। बड़ा पैच है, सब देखा जाए तो अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और ज़मीन जो है वो भी साइज़ में आप देख सकते हैं 90 एकड़ एक अच्छा साइज़ हो जाता है 90 एकड़ का। और अगर हम एकड़ को भी समझना चाहें तो स्क्वायर फीट में आप इसे समझ सकते हैं 43,560 स्क्वायर फीट, 43,560 स्क्वायर फीट में आपको ये साइज़ मिल जाता है। एकड़ की बात करें तो 4,840 वर्ग गज ज़मीन आपको जो है वो मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भूमि में तो टोटल प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो मेन रोड से लगी है, जिससे अपने पर्सनल रोड प्रॉपर्टी में पहले हुए हैं। इसके अतिरिक्त हाईवेज़ की बात कर लेते हैं तो हाईवे जो है वो प्रॉपर्टी से आपका जो बिरैका और रायपुर को कनेक्ट करेगा ये मेन हाईवे मिलेगा आपको प्रॉपर्टी से लगभग 10 किलोमीटर के कुल डिस्टेंस पर। सिंगल ऑनर प्रॉपर्टी है, रोड साइड बहुत अच्छा खासा फ्रंट आपको मिल जाता है। प्रॉपर प्रॉपर्टी को देखा जाए तो एज अ गार्डन आप समझ सकते हैं, बाग बगीचा जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है प्रॉपर्टी को और भूमि पर वाटर का जो लेवल है वो है मात्र 40 फिट का। 40 फिट के वाटर लेवल वाली ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है। काफ़ी ऊंचा वाटर लेवल है और मीठा पानी आपको यहाँ मिल जाता है। नॉर्मल देखा जाए तो ज़्यादातर एरियाज़ में पानी जो है वो उतना बेटर नहीं है, पीने में दिक्कत आती है और पीने योग्य उतना पानी होता नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए अरेंज की गई है 40 फीट का वाटर लेवल है, मीठा बढ़िया पानी आपको मिल जाता है। भूमि इस टाइप की है कि अगर आप यहाँ पर प्रत्येक प्रकार का प्लांटेशन कर सकते हो, प्रत्येक प्रकार के एग्रीकल्चर में आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे उसमें धान की फसल हो, गेहूं की हो, गन्ना हो, आलू, सरसों, चना, मक्का, बाजरा से लेकर प्रत्येक प्रकार की फसल जो भी आप करना चाहें, सभी प्रकार की दालें कर सकते हैं, हरी सब्जियां कर सकते हैं आप इसमें।
जो भी कुछ आप करना चाहें काफ़ी आसानी से कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी में। अगर हम बात करते हैं नियर बाई मार्केट की, तो मार्केट भी आपको देखा जाए तो 3 किलोमीटर पर मिल जाता है। कूटू जो है 3 किलोमीटर मिल जाता है, और कोर फार्म जो है लगभग 10 किलोमीटर पर मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। मार्केट की बात करें तो ज़रूरत का प्रत्येक सामान आपको नियर बाई मिल जाएगा। अगर आप रहने के पर्पज़ से भी देखें प्रॉपर्टी को, तो आप प्रॉपर यहाँ घर बना के रह सकते हैं, जिसमें आप को कॉलेज, स्कूल और देखा जाए तो हॉस्पिटल जो है वो सारी सुविधाएं आपको नियर बाई देखने को मिल जाती हैं। पेट्रोल पंप की सुविधाएं भी आपको नियर बाई इसी बेल्ट में देखने को मिल जाएंगी। भूमि की बात करें तो देखिए प्रॉपर्टी के नियर बाई लगभग 12 सर्विस लाइन्स मिल जाती हैं, और प्रॉपर्टी पर अपने 8 बोर जो हैं वो हो रखे हैं। और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि इसमें प्रॉपर्टी पर सिंगल 3 रूम जो हैं वो भी बने हुए हैं। तो ये सुविधाएं भी आपको मिल जाती हैं, आपको किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। रूम्स अवेलेबल मिलेंगे आपको प्रॉपर्टी पर, और प्रॉपर आप रह सकते हो, मैनेज कर सकते हो प्रॉपर्टी को, और अच्छे से यहाँ से पैसा अर्न कर सकते हो। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी में, तो आबादी से कोई खासा डिस्टेंस नहीं है। 500 से 600 मीटर के डिस्टेंस पर चारों तरफ से आबादी है प्रॉपर्टी के, और आने जाने के साधन भी आपको प्रॉपर्टी के नियर बाई 500 मीटर पर मिल जाते हैं। लेकिन ट्रेन की सुविधा जो है वो आपको जो है कुम्हराडा में मिलती है लगभग 10 किलोमीटर के कुल डिस्टेंस पर। क्योंकि प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल डिस्टेंस है जहाँ पर आपको ट्रेन की सुविधा जो है वो मिल जाती है। तो ये भी अच्छा एक प्लस पॉइंट है प्रॉपर्टी को लेकर। और उससे भी अच्छा प्लस पॉइंट है कि जहाँ पर ये प्रॉपर्टी अरेंज की गई है वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन लगभग 99% की है। 99% तक लगभग आपको हिंदू पॉपुलेशन मिल जाती है इस लोकेशन में। तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा ज़मीनों को लेकर, कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंडीशंस बहुत बढ़िया हैं, ज़मीनें बहुत अच्छी हैं, और देखा जाए तो प्रॉपर्टी जो है वो भी A1 क्वालिटी की आपको देखने को मिल जाती है। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी में, तो कीमत जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे बेहतर ज़मीन सिर्फ RS प्रॉपर्टी अरेंज करता है आप लोगों के लिए। और भूमि की स्टार्टिंग डिमांड जो है वो करीबन देखा जाए तो 30 लाख रुपए की थी, जिसको कम करा के 25 तक मैनेज किया गया। लेकिन जब आपको प्रॉपर्टी दी जा रही है तब इसका जो रेट है वो है 18 लाख रुपए प्रति एकड़ का, 18 लाख रुपए प्रति एकड़ है। और जहां तक हमने इस प्रॉपर्टी को स्टडी किया है, ओनर को स्टडी किया है, तो रेट जो है नेगोशिएशन के साथ आपको मिलेगा। तो देखते हैं इसमें और भी कितना रेट कम हो जाता है, क्योंकि रेट काफ़ी कम होने के चांस हमें इस रेट में भी नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टाइप की प्रॉपर्टी में, जो फिलहाल 18 लाख के हिसाब से जो आपका टोटल अमाउंट है वो 16 CR के आसपास जाता है, 16 करोड़ के आसपास पहुंचेगा। लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी बेटर आपको मिल जाती है, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी आपको नॉर्मली देखने को कहीं और नहीं मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉल करें सामने दिख रहे मोबाइल नंबर पर और खरीदें इस शानदार प्रॉपर्टी को। मिलते हैं आपसे एक और नए प्रॉपर्टी की वीडियो के साथ, जुड़े रहिए अपने परिवार RS प्रॉपर्टीज से। जय श्री कृष्णा।